हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जिसका नाम है मिस्टर मिसेस सिंह। तो आप सबका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और होप करती यू डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे और वो स्पेशल डे क्या है वो बताया आपको अंशु। तो गाइस, मैं तो सुबह वैसे मॉर्निंग में 6 बजे उठ गई थी। उठ के आज सोमवार था तो वैसे मैं हर रोज़ डेली, मतलब सोमवार को ही नहीं, मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ और 6 बजे उठ के मैं नहा धो के मंदिर होके आ गई हूँ। तो अभी बज गए हैं 8 और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। तो आज अंशु बताएगा कि स्पेशल डे आज क्या है। हाँ अंशु, तो अंशु बताएगा कि आज क्या है, क्या स्पेशल डे अंशा आज है हमारी। पहले 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 सबको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। ये अंशु सबसे हमारे ये अंशु ना हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा लेट उठता है। सब लोग 5-6 बजे के आसपास उठ जाते हैं, 7 बजे तक, पर ये उठता है 8:30-9:10, कभी कभी तक 11 बजे भी उठता है, शाम को भी उठ जाता है कभी। हाँ, तो चलो स्पेशल डे बताओ आज क्या है। तो गाइस, आज स्पेशल डे है कि आज हमारी बुआ का बर्थडे है और हम इनको एक सरप्राइज देने वाले हैं। गुल्लक खोल ओ जा, सरप्राइज देगा तू। तो गाइस, आप लोग मुझे ढेर सारे कमेंट करना और मुझे प्यारी प्यारी विशेस देना और बर्थडे विश करना। और थैंक यू सो मच कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने मुझे इतनी सारी विशेस दी। थैंक यू सो मच। और ये अंशु, चलो अंशु कंप्लीट योर सेंटेंस, कंप्लीट योर वर्ड जो आप बोल रहे थे कि मिसेस को, मिस्टर मिसेस को बहुत ज्यादा प्यार देना। मिस्टर और मिसेस को बहुत प्यार देना। हाँ, और आपके पीछे जो व्यू है बहुत अच्छा आ रहा है। अंशु ने ना यहाँ पे गुल्लक तोड़ी, कह रहा बुआ आज आपका बर्थडे तो आपको गिफ्ट करूंगा। और यहाँ भाभी ने ना फिर झाड़ू मंगवाई पीयूष से कि झाड़ू ले क्या, तो इसके ना झाड़ू में पता नहीं क्या कूड़ा सा है। ये कूड़ा आपको मैं दिखाती हूँ आपको, ये पता नहीं क्या है, कूड़ा सा बाल और गुच्छा पता नहीं क्या है ये। तो ये ना पीयूष क्या कच्चे मांगे, पीयूष डर के सोचते चिपकली गंदा फैल उसे बदतमीसा। तो डर गया था, एक तो तुम्हारे सामने। ये हम कर रहे हैं डेकोरेशन बुआ की, है ना, बर्थडे की। तो अभी बुआ सो रही है, मैं देख अभी नहीं, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। जैसे कि आपको पता है मेरी बुआ का बर्थडे है, तो अभी बुआ सो रही है, उसके हिसाब से हम देखो डेकोरेशन, जैसे हमारी डेकोरेशन हुई हमने कर ली। तो मैं बुआ के अभी फोन से डेकोरेशन बुआ को दिखाता हूँ। गाइस वो देखो, मेरी बुआ सो रही है उधर, डेकोरेशन कर रहे हैं, है ना। जब बुआ उठेगी उनका रिएक्शन चेक करते हैं, देख लो। हेलो एवरीवन, तो वी आर बैक। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पहले थोड़ी आरती की आवाज़ कम कर दीजिए, फिर कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो। तो गाइस हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी जैसे मैं सो के उठी हूँ, 7:30 बज रहे हैं, और जब मैं बाहर अपने हॉल में आई हूँ तो मैंने, मेरा जो आँखों के आगे दृश्य है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने शायद बच्चों ने या प्रीत ने, आई डोंट नो, बट मैं तो सो रही थी और मैं मतलब लेट सोई थी, मैं 3-4 बजे के आसपास सोई थी, इसलिए मैं 7:30 बजे उठी हूँ, नहीं तो मैं इस टाइम कभी नहीं सोती हूँ। और तो शायद ये तो प्रीत का तो मुझे लग नहीं रहा कि प्रीत ऐसे कर सकते हैं, बच्चों ने कराया, शायद हो भी सकता है कि प्रीत भी लगे हों, क्योंकि प्रीत को भी खास ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह कुछ आती नहीं है, वो तो घर में कोई प्रोग्राम होता है वो मैं ही करती हूँ या वो मेरे साथ करवाते हैं, उनको मैं बताती रहती हूँ। तो गाइस मैं दिखाती हूँ। वैसे यार पता क्या, ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा, बस ये है कि उन्होंने किस इंटेंशन से किया, मतलब किस दिल से उन्होंने मेरे लिए जो किया है ना, मेरे लिए यही बेस्ट है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले इन बच्चों के साथ इन्होंने मिलकर क्या देख सकते हैं। इन्होंने छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी मुन्नी सी डेकोरेशन करी है और यार मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और शायद इन लोगों को नहीं पता कि मैं देख चुकी हूँ
क्योंकि ये लोग गए हैं नीचे वॉलीबॉल खेलने के लिए। मैं उठी तो घर में कोई नहीं था, भाभी के सिवा, भाभी वॉशरूम में। मैं उठी हूँ और जैसे ही उठ के मैं बाहर आई तो मेरे आँखों के आगे ऐसा कुछ दृश्य था और मुझे इतना अच्छा लगा ना यार कि इन्होंने मतलब कितनी अच्छी डेकोरेशन आ जाएगी, इनकी करामत क्या है, और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। तो अभी तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही, तो मैं भी आपसे मिलते दिल से तैयार होके। तो गाइस मैं आ गया तैयार होके, तो तैयार होके मैं ऐसे आई हूँ, मैं बन गई बच्ची छोटी सी मासूम सी। और हालत कुछ ऐसी कर दी है, आप सब देख सकते हैं बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है मेरी हालत इस टाइम। अंजू रख दे भाई रख दे, इन्होंने मेरी ये ड्रेस खराब कर दी है। और बाकी मैंने ये जो ड्रेस मेरी मुझे अंशु ने दिलाई है, अंशु थैंक यू सो मच, अंशु की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला ये ड्रेस। गाइस ये देखो आप लाए डिस्नो स्प्रे, ये देखो बुआ के, चल दिखा दो सही चलो नहाओ नाचो, डीजे तो मतलब हो गया। गाइस मेरी हालत देख लो इन बच्चों ने कैसे कर दी।